अच्छा ये बताओ यहाँ पर लोग आते रहते हैं खूब? यहाँ पर म्यूजियम हो गया, ये तो म्यूजियम हो गया। हाँ, तो म्यूजियम हो गया, नेताजी का घर, घर लोग आते हैं। नेता लोग भी आते हैं? सब आता है, तो नेता लोग, नेता लोग ज्यादा आ रहा है क्या? अभी आएगा नहीं, अभी समय आया हुआ है, अभी वोट बटोरने आया चाचा, ज्यादा आएगा अभी। उसके बाद क्या होगा, लॉकडाउन? अब क्या होगा, वो तो पार्टी जाने का ना, हम क्या जाने का? उसका लॉकडाउन हो जाएगा, पार्टी लोग जाने का भाई साहब। 3 जनवरी के बाद फिर लॉकडाउन, चुनाव खत्म हुआ लॉकडाउन, फिर 5 साल फिर चुनाव आएगा, फिर नेताजी को भूल जाएंगे सब कोई, 5 साल के सब फिर भूल जाएंगे, लेकिन देश की पब्लिक नहीं भूलती। पब्लिक नहीं भूलती, पब्लिक नहीं भूलती। आप सब लोग क्यों भाई साहब आए? आप लोग बोलिए, आपकी टी शर्ट बड़ी जोरदार लग रही है, क्या ड्रेस पहना है आपने? बोलिए, यही सब बातें जो हम लोग कर रहे हैं कि भाई अभी तो सब लोग आ रहे हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा फिर जो है फिर भूल जाएगा, चुनाव खत्म वो लोग भूल जाएगा, फिर लॉकडाउन कर देगा। चुनाव से क्या मतलब है, इनको तो हमेशा नाम लेना चाहिए, तो हर हिंदुस्तानी नाम लेता है उनका। हाँ, नेता रहेगा, किताब के पन्ने में इनका नाम है। हाँ, बस इनको इनको नेता लोग इसे बस समझ नहीं पाते हैं। नहीं, वो लोग का अपना अपना धंधा में रहता है, कमाई के लिए रहता है। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश से आए हैं? अच्छा, कैसे आना हुआ यहाँ पर? प्रशांत बनर्जी औषध ले, औषध दवा लेने की, दवा ले जी। अच्छा, कब तक हैं यहाँ पर भी आप? नो मालूम। अच्छा अच्छा, आप बांग्ला बोलते हैं? बांग्ला बांग्ला। सब ठीक है? नेताजी का घर पता है सुभाष चंद्र? नेताजी निस्वार्थ भावे देशर जन्य जीवन दिछे, देशर माटी मानुष के ভালোবাসছে। नेताजी आज बड़ मापेर नेता छिल। নেতাজির বিকল্প এখনো আমার জানা মতে এই পূর্ব পশ্চিম বাংলায় এখনো বিকল্প কোনো নেতা তৈরি হয়নি। আপনি বাংলাদেশে কে নামে আপনার নাম? মোহাম্মদ কাইয়ুম শেখ। মোহাম্মদ কাইয়ুম সাহেব, বাংলাদেশে আপ সমঝাইয়ে কে বল রহে থে? ইনহোনে কাহা ইয়েহি কি আপ ভারতবর্ষ মে জো নেতাজি কা আপনা এক জাগা হ্যায় ও হামেশা হি আপনে দেশ কে লিয়ে নিঃস্বার্থ হোকার কিয়া বাত হ্যায় ওয়াহ উনহোনে সেবা কিয়া হ্যায়। और एक हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारे देश के लिए बहुत ही एक इमोर्टल फिगर है वो। और आई थिंक मैं अब अपने अपना ओपिनियन, आपको कितना अच्छा लग रहा है, देखिए बांग्लादेश से आए हैं आप और इतने, इतने बहुत प्राउड की बात है इस जगह की कि एक आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं उनको भी इतना ज्यादा वेलवेट देते हैं। बट अनफॉर्चुनेट, इनसे एक बार जरा बांग्ला में पूछिए आप की इनको ये मालूम था कि नेताजी का घर है या अभी आके मालूम पड़ा, ये जरा पूछिए सर। आगे आप जानते हैं, देखा बहुत इच्छा छो नेताजी, इच्छा थी नेताजी देखे, आई प्लीस्ट, हमें खूब गर्वित, गर्व हो रहा है, गर्व हो रहा है यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि बहुत पहले से इच्छा थी उनकी, इनकी इच्छा थी। क्या इन्होंने पहली बार देखा है क्या, पूछे जरा? थ्री टाइम्स। फोटो वोटो लिया नेताजी घर की? नो, फोटो नहीं लिया है। परमिशन नॉट अलाउ। नहीं नहीं, सेल्फी तो ले सकते हैं। आप आउटसाइड है, आपने यदि दाढ़ी होना खाते चाचू खाते दाढ़ी जो सेल्फी लेते हैं तो आप नीते पर नहीं ने वो आज के देखे खूब भालो लागलो जे हमारे अनुष्ठान आज के हमरा उपस्थित होते पारछे। खुश है खूब, आप खूब खुश? खूब खुश, बहुत खुश है। सौभाग्य है कि इस वक्त में वो यहाँ पर मौजूद है, ये उनके लिए गर्व की बात। परिवार में कौन कौन आपके आया हुआ है? माई वाइफ, आपकी वाइफ है? सिस्टर और सन। सन, अरे वाह, क्या नाम है? कमरुल इस्लाम। अरे वाह, इन सबको पता है कि नेताजी का घर है बाड़ीते? नेताजी देखा सौभाग्य है ना, जो देखते हैं उन्हीं बोलते चाहिए। पता है नेताजी का घर है आपको? मालूम है, मुझे पता है। आपको पता है? अच्छा अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं आप? हाँ, उनके बारे में हिंदी बोल ले रहे हैं, उनके बारे में मैं गूगल पे सर्च करके जान। अरे वाह, क्या बात है, तालियां इनके लिए, बहुत शानदार। कहाँ रहने वाले यहाँ बांग्लादेश में, घर कहाँ? बांग्लादेश फरीदपुर। फरीदपुर है आप? तो आप पहली बार आए हैं इंडिया या पहले भी आते रहे हैं? ये लेके 15 बार। और गूगल में क्या पढ़ा आपने नेताजी के बारे में? ये बहुत अच्छे एक नेता थे, ये देश के लिए अपना जान दिया। अरे वाह, क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। देखिए क्या सुखद एहसास हुआ है, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं और नेताजी के प्रति इनके हृदय में कितना प्यार है, कितनी सम्मान है। ये है नेताजी के नाम के मायने, देश ही नहीं पूरी दुनिया सलाम करती है। प्रोफेसर प्रसाद रंजन दास, आप देशबंधु सी आर दास जी के परिवार से हैं, बहुत गर्व की बात है। वाह, क्या आप कहाँ रहते हैं दादा? अभी कलकत्ता में है। अच्छा, आप तो खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हैं, इस देश का गौरव, देश बंधु। ही वाज द मेंटर ऑफ, हाँ हाँ, वो तो उन्होंने कितने कितने क्रांतिकारी उनके संरक्षण में आगे बढ़े। जितना बोसबाड़ी का है उतना ही हमारा दासबाड़ी का है। दादा बस एक बात बता दीजिए, आप तो स्वतंत्रता संग्राम नंबर मिल जाएगा आपको। दादा बस एक बात बता के जाइए, आप तो देशबंधु जी के परिवार से आते हैं। एक ही बात है, दोनों ही पूर्ण स्वराज अखंड भारत मांगा था, वो दोनों थे
तो हमारा देश खंडित होता नहीं। दादा बस एक बात, दादा ये तो आपको मालूम है ना कि नेताजी के नाम पर जो है इस समय राजनीति भी खूब जम करके हो रही है, वो राजनीति हर पार्टी कह रही है, राजनीति का बहुत ऊपर है। आई गिव यू एन एग्जांपल, क्या असर जाएगा दादा? आई गिव यू एन एग्जांपल, इफ यू फ्लाई ऑन द स्काई बाय ए प्लेन, जेट प्लेन में जा रहे तो टाटा सेंटर और बस्ती एक ही लगेगा। अगर नेताजी पे उड़ जाए तो ये नेता को बस। बहुत बड़ी बात कही आपने। नेताजी के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके हमको इस नेताजी भवन में साक्षात प्रमाण मिल रही है। किसने बनाया है? आपने बनाया है? हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है, एकदम सजीव उतार दिया आपने तो। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि नेताजी का स्पिरिट हमारा। नाम है आपका? मेरा नाम है मोबानी सोरकर, मैं एक्ट्रेस हूँ। अच्छा। और मैं कभी मोबानी सोरकर। हाँ जी। अच्छा। मेरा पिताजी का नाम पीसी सरकार। अरे, है उनको कौन नहीं जानता है पीसी सरकार, आप उनकी बेटी हैं? हाँ, मैं उनकी बेटी। अच्छा। और यहाँ कैसे आना हुआ आपका? एक्चुअली मैं IIHRO का एक मेंबर हूँ। आपने इसमें जादू कर दिया है, पीसी सरकार जी तो जादू करते हैं, दिखाते। आज सुबह को मेरे पापा ने मुझे बताया कि उस मेरे पापा और मम्मी के मैंने पहली बार ये पोर्ट्रेट दिखाया खत्म होने के बाद। और उन लोगों ने बताया कि मूव बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा ही रख दो। वो जो हमारे हार्ट के अंदर नेताजी का जो एक चित्र है ना, वो कहीं से भी निकल कर आ गया है, क्योंकि मैं बहुत सारा काम कर चुकी हूँ कैनवस में। आप जो बोल रही है दिल से बोल रही है, दिल से आवाज निकल रही है आपकी। नेताजी भवन से नेताजी की स्मृतियों के साथ, नेताजी के विचारों के साथ राज्याभिषेक के इस अंक को यहीं पूर्ण करते हैं। लेकिन नेताजी के विचारों की यात्रा अनंत है, राजनीति का अपना दायरा है और बहुत ही छोटा दायरा है, लेकिन नेताजी किसी भी दायरे से परे हैं। नेताजी को आप किसी भी सीमा में बांध नहीं सकते हैं, वो असीमित हैं, वो विराट हैं, वो अनंत है। उनके विचार इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के लोगों का हमेशा के लिए प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, उनको रास्ता दिखाते रहेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि नेताजी के विचारों को स्वीकार किया जाए, उन पे चला जाए, ना कि उन विचारों के नाम पर किसी तरह की महाभारत की स्थिति आए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।